अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप सब अच्छे से होंगे, क्योंकि आज ईद का पहला दिन है और मज़े मज़े के खाने बन रहे होंगे घर में। तो आज हमारे हमारी किचन में क्या बन रहा है भाभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और आज हम बनाने वाले हैं शीर कौरमा, जिसकी वजह से ईद बिल्कुल नामुकम्मल है। जिसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है और एक प्याला हमने जो है सवैयाँ ली हैं, उसको हमने थोड़े से घी में भून लिया है। आधा कप हमने जो है क्रीम ली है, ठीक एक है। प्याला हमने चीनी ली है और हमने जो है 5 से 6 हमने छुहारे लिए थे, उसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। नारियल लिया था, उसको भी हमने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। और बादाम लिए थे हमने 6 से 7, उसको भी हमने बारीक काट लिया है। पिस्ता लिया था हमने 6 से 7, उसको भी बारीक बारीक काट लिया। और इन सब चीज़ों को हमने थोड़ा सा भून लिया है। ठीक है, चले आइए बनाते हैं। ये अब हम इसमें जो ये छुहारे डालेंगे, पहले दूध को बॉईल कर लिया हमने। दूध को बॉईल कर लिया, अब हमने इसमें छुहारे डाल दिए हैं और ये हम नारियल डालेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें सेवई ऐड करेंगे। तो सबको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम बादाम और पिस्ता जो था वो डालेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसी के साथ ही हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा ऐड कर लें, कम पसंद हो तो कम ऐड कर लें। 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए, 1-2 मिनट और हम पकाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए तैयार है ये, हम चूल्हा ऑफ कर देंगे इसका और अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए तैयार है ये, बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बनाइएगा, अपने मेहमानों के साथ शेयर करिएगा इसको, और पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे जो नए आए उनको हमारी रेसिपियाँ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलें। अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। मिलते हैं ऐसी सोच के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।